ये देखो राहुल ही आज हमारी दीदी हैं। राहुल दीदी उमापति महादेव की जय हो। कहीं माता रानी के पावन चरणों में अपनी कल होगी रेस हमारे ट्रक की, वो तो देखते हैं है? मैं इसका ट्रक में टक्कर मार मार के तोड़ दूंगा। अध्यक्ष कल रेस होने वाली है, किसके पूछो जरा। दो मोटर ट्रक की रेस होने वाली है, एक अंकल का है। गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल दीदी नहीं आ पाई थी, उनको चोट लग गई थी और अभी उनकी चोट सही नहीं है क्योंकि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। तो आज भी हम काम जो है वो हमको खुद करना है। तो अभी कल मैंने की थी सफाई, आज राहुल कर रहे हैं सफाई। राहुल का फेवरेट काम है सफाई करना ना, मेरा किचन का काम है और राहुल का फेवरेट काम है सफाई करना। तो राहुल लगे पड़े हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो राहुल ही आज हमारी दीदी हैं। राहुल दीदी लेकिन यार ये पोचा कैसा है यार, इससे लग नहीं रहा ठीक से। यार इतना अच्छा पोचा है ये टी शर्ट का पोचा जो होता है वो बेस्ट पोचा होता है। लेकिन देखो ये ना जिस जिसको देखो ये आगे नहीं बढ़ रहा आराम से ना, इसीलिए ये बेस्ट पोचा है। बहुत ताकत लगानी पड़ती है। टी शर्ट का पोचा दीदी ने बोल रही थी उस दिन कि भाभी ये जो टी शर्ट है ना इससे अच्छा पोचा लग रहा है, ऐसी टी शर्ट भैया की जो हो ना वो निकालना। भैया की टी शर्ट जो हो ना वो निकालना भाभी, उससे बड़ा अच्छा पोचा लग रहा है। मैंने कहा ठीक है दीदी ठीक है, इससे अच्छा पोचा लगता है। तो हाथ से लगा लो, इसीलिए तो ये अच्छा पोचा है कि हाथ से लगाना पड़ेगा। वाइपर से खिसकेगा नहीं, लेकिन इससे राहुल ज्यादा अच्छा पोचा लगता है सही में। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। और ये देखो हमारे मीटू क्या कर रहे, ये देखो हमारे मीटू क्या। हाँ। चलो तुम बाहर चलो, इन्हें करने दो अपना काम। चलो जाओ अम्मा के पास जाओ। आओ चलो जाओ बाल्टी में चल रहे, जाओ जाओ बाय बाय टीचर बाय, बालकनी घुमाओ जाओ। राहुल कहाँ पहुंच गए बाहर हैं? राहुल देखना इधर आओ, इधर आओ, देखो ये राहुल का पोछा देखो, देखो देखो दिख रहा है, सब जगह पानी बढ़ा है। पानी तो अभी गिरा है तुम्हारा हाथ से। मेरे हाथ से मैं कहीं नहीं हूँ। देखो ये है असली दीदी। असली दीदी अच्छे से लगाओ, यहाँ भी लगाओ दीदी, दीदी यहाँ भी लगाओ दीदी, देखो यहाँ पानी बढ़ा है दीदी। लो बहन जी। हाँ दीदी हो गया, चलो दीदी बाहर चलो। यार इससे लग रहा मेरे से यार। है वही वाला ले लो। अरे दूसरे से लगा लो ना, उसी से लगा लो, इससे मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा ले लो। राहुल अपने पुराने पोछे वापस आ गए हैं। उससे लग रहा है, उससे बैठ के मेरे से लग रहा, मैं तो इससे लगाऊंगा। चलो इसी से लगा लो, लगा लो। अब इस पोछे पे कितना बढ़िया लगेगा, एकदम से मक्खन की तरह बढ़ेगा आगे पोछा। इससे सिर्फ नाम मात्र का पोछा लगता है, पता है, बस गीला हो जाता है। चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, देखो। हाँ हो रहा है, टिक 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 चल रहा है, चल रहा है। नहीं चल रहा है ना? ये है ना बात। कोई कमी पेशी रह जाए तो बता देना, कोई बता देंगे हम दीदी। कोई कमी पेशी रह जाए तो बता देना। ओके दीदी। तो मिट्ठू की आज नई सी चुनी है, वो ये कर रही है और ये कल रात से ऐसे कर रही है, रोज कुछ ना कुछ नया सीखती है ऐसे ही।
और वो करके वो करती है। जोगी निगावत नित करत भैरो मैया नित करत भैरो। और भाई हम सब अपने काम में लगे हुए थे, इस बीच मम्मी ने देखो चुपके से मतलब किसी को पता नहीं लगा और लड्डू बना दिए। ये देखो अभी ये खाता हूँ आपको। ये देखो मम्मी बना रही देसी घी के लड्डू। ये हमें पता भी नहीं, मैं सोच रहा था मम्मी क्या खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, मैं अपने काम में लगा हुआ था और मम्मी इधर लड्डू बना रही है। तो भाई पूजा का आज वर्किंग सैटरडे है और पूजा तो अपने काम में लगी हुई है और मुझे भी कुछ काम से बाहर जाना है, तो मैं भी जा रहा हूँ बाहर और आज मिट्ठू घर पे रहेगी और मैं बाहर रहूँगा। तो आज हमारी सोसाइटी में माता की चौकी होने वाली है और उसकी तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई है। सोसाइटी के पार्क में टेंट लगना शुरू हो गया है। तो यार मैं तो घर पहुंच चुका हूँ और अब नीचे सोसाइटी में जो है वो हमारा माता की चौकी चालू हो गई है। अब पूजा तो रेडी हो गई है, मेरा रेडी होना बाकी है, मैं भी रेडी होता हूँ, मम्मी भी रेडी है, मिट्टू भी रेडी है, बस मेरा रेडी होना बाकी है। मैं रेडी होता हूँ और फिर नीचे चलते हैं माता की चौकी में। हमारे यहाँ पर जागरण है, मैं तो उसके लिए रेडी हो गई हूँ और मिट्टू भी रेडी है, सिर्फ राहुल रेडी होने बाकी है। लोग कहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में, लेकिन यहाँ पे राहुल को बिल्कुल ऐसी तभी राहुल को प्रेस करनी है, तो राहुल अभी प्रेस करके आए हैं, मुंह धुला है राहुल ने, तो अभी बस राहुल तैयार होंगे, फिर उसके बाद में हम लोग नीचे चलेंगे। ये देखिए राहुल तैयार हो रहे हैं, ड्रायर व्रायर लगा के ऐसे सेट बिल्कुल। ओहो ओहो, आप रेडी हो? इंटू आप रेडी हो ना? जी। देखो मिट्टू भी रेडी है, मिट्टू ने अपना बैंड लगाया था, मैंने इतना सुंदर इसको, मैंने इसको ये वाला बैंड लगाया था, इसने उतार दिया, भी लगाऊंगी बेटा बैंड तो तू ही लगाएगी, ये मम्मा नहीं लगाएगी। बाय मिट्टू, बाय कुट्टू, बाय कुट्टू, बाय कुट्टू। तो देखिए हमारा चौकी हमारी चालू हो गई है। ये इन सब लोगों का प्लान और कोई बंदा ऊपर रह जाता तो और डर लगता है जब नीचे उतरने की बारी होती है। तेरा चैनल तो है ही भाई, आ जाए यार, आती यार, आ यार, ये हमारा शिवांश द अल्टीमेट बॉय है ना। हाँ। भाई इसका भी यूट्यूब चैनल है, किस नाम से? शिवांश द अल्टीमेट बॉय 2.0 भाई, सब्सक्राइब कर लेना। हाँ मैं क्या कहते हैं तेरा इसका चैनल का डिस्क्रिप्शन जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? तुझे भी करना पड़ेगा लेकिन फिर चैनल प्रमोट मेरा। हाँ कर दूंगा। चलो ठीक है भाई, किसी को लगे आ तो प्रमोशन भी हो गए चैनल। ये यहाँ प्लानिंग हो रही है ना, आजा अक्कू आजा, बताओ क्या प्लानिंग चल रही है, अक्कू बताएगा। वो तो देखते हैं, मैं इसका ट्रक ना टक्कर मार मार के तोड़ दूंगा।
अध्यक्ष कल रेस होने वाली है, किसके पूछो जरा। दो मोर से ट्रक की रेस होने वाली है, एक अंकल का ही मेरा। जीतेगा उसको मिलेगा अंडा। अंडा अंडा नहीं, अंडा नहीं, 1000 रुपए। 1000 रुपए देगा कौन? भाई जमा कराओ, लौंडे की बात रखो, जमा कराओ 1000। हाँ एक पेरी गार्डन, सुन पेरी गार्डन, हाँ ये तो फिर भी पेरी गार्डन तो फिर भी 300 का आता है। चौकी बहुत अच्छी रही, मजा आया, बिल्कुल धार्मिक माहौल था, क्योंकि चौकी में ना वहाँ बहुत शोर था, तो इसलिए मैं तो मिट्टू को बस पीछे लेके बैठ गया था, मैं ज्यादा आगे गया नहीं। बहुत शोर था और बच्चे को हमें शोर से बचाना चाहिए। आज का जो दिन था हमारा वो अच्छा रहा, क्योंकि माता की चौकी थी, उसमें हमने बहुत इंजॉय किया। और अब बहुत रात हो गई है, तो चलिए मिट्टू को भी बहुत नींद आ रही है और वो तो आधी सो भी गई है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय।